हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी हम आ चुके हैं सुबह इंटरप्राइजेस सेकेंड हैंड बाइक शोरूम, और यहाँ पे सुना है मैंने कि बहुत सस्ते एवं कम प्राइजेस में बाइक मिलता है, इसलिए हम आए हैं एक बाइक देखने के लिए। एक मेरे साथ में फ्रेंड है, वो सोचा एक बाइक लेंगे तो उनको लेकर आए हैं बाइक खरीदने के लिए। तो दिखाते हैं आप लोगों को कौन कौन सा बाइक यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले मिलते हैं हम बाइक ऑनर से। तो भैया, ये बाइक शोरूम आपका है? जी सर, ये बाइक शोरूम हमारा है और पिछले 7 साल से ये शोरूम चल रहा है। और बाकी बाइक आप तो देख ही सकते हैं। हाँ, यहाँ पे तो बाइक बहुत सारा बाइक लगा हुआ है और अंदर में भी बहुत सारा बाइक है, जो हम आपको डिटेल्स वाइज बताएंगे कि कितने प्राइस में कितने बाइक अवेलेबल हैं। और हम पहले हम भैया से बात करते हैं। तो अगर कोई आपके यहाँ बाइक लेने के लिए आएंगे तो फिर किस एड्रेस पे आएंगे? अगर आप भागलपुर स्टेशन से आते हैं तो स्टेशन से अगर आप पैदल हैं तो टोटो पकड़ के नाथनगर थाना आ जाइए। नाथनगर थाना से बाएं साइड वाला रोड होता है दरियापुर रोड, या आप उल्लास स्थान चौक कंजिया भागलपुर नाथनगर। नाथनगर ना, अच्छा कॉन्टेक्ट नंबर भी बता दीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर आप लिख सकते हैं 7003806976 और 8802072689। वो मेरे बोर्ड पे नंबर अवेलेबल है। हाँ, तो वो बोर्ड मैं डाल दूंगा इस वीडियो में। तो बाइक आप बता दीजिए और जो भी प्राइस है डिटेल वाइज बता सकते हैं ना? जी हाँ, आइए बता। ठीक है, चलिए हम दिखाते हैं। कौन कौन कंपनी का बाइक अवेलेबल है? मेरे पास रॉयल एनफील्ड से लेकर के सुपर स्प्लेंडर, स्प्लेंडर ग्लैमर, होंडा पल्सर सब मिलेगा। सब मिलेगा। अगर कोई भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इधर इधर अभी कोई भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये इस एड्रेस पे आप लोग आई कर सकते हैं। नंबर भी है यहाँ पे और हम आपको यहाँ पे बाइक सब भी दिखा देते हैं। कितना बाइक है? ये मेरा नंबर है 700, ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है। तीन नंबर मैं वीडियो में लगा दूंगा, ठीक है, जिसको जाइए। तो यहाँ पे मैं दिखा दो एक बार कैमरा घुमा के बाइक। यहाँ पे बाइक बहुत सारा बाइक है और इनमें हम पूछेंगे भैया को कौन कितने प्राइसेस में है बाइक। आइए पहला स्टार्ट करते हैं कम दाम से। हाँ, सबसे कम प्राइस का जो बाइक है, सबसे कम प्राइस में देखिए ये 35,000 का ये बाइक है। 35,000 का, सॉरी सीबी साइन। सीबी साइन, जी हाँ। ये मॉडल है 2017 की होंडा सीबी साइन। कितना किलोमीटर चला हुआ है ये आपका? जो की 32,000 किलोमीटर चला हुआ। 32,000 किलोमीटर। और इससे और कोई प्राइस में हीरो में दिखाइए? उससे कम में आप, कम में तो नहीं, इससे अच्छा रेंज में आएगा। हीरो में देखना है तो ये देखिए ग्लैमर। ये ग्लैमर है जी। एफआई है क्या? एफआई नहीं है, ये BS4 में ही है। एफआई नहीं है, ये BR10P। ये भागलपुर जितनी भी गाड़ी है मेरे पास में अभी सब BR10 यानी कि भागलपुर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा ऑल ओवर, और सब ऑनर बुक वाला है, बैंक से खींचा वाला बहुत कम है। यानी कि गाड़ी का जो है ये कलर पेंट जो है अपने से किए या फिर जो नेचुरली वही है जो कंपनी से है? अपर साइड का जितना भी जितनी भी गाड़ी है आप देख रहे हैं अपर साइड का, वो नेचुरल क्या यानी कि कंपनी की है, ठीक है, वो प्रकृति की देन नहीं है, ये कंपनी की है। हाँ, मेरा कहने का मतलब वही था, जो कंपनी बना के देती वही। हाँ, ठीक है, वो हो गया। जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग पेंट करते हैं क्योंकि ये देखने में खराब लगता है, अगर सेकेंड हैंड में देखा जाए तो ये खराब लगता है। अब ये देखिए, ये जैसे कि नेचुरल कलर है, ठीक है, नीचे हम लोग ये पेंट हम मारे हैं, इसमें ये गोल्डन पेंट हम खुद से डाले हैं ताकि ये इसका लुक थोड़ा सा बाहर आ सके। अच्छी, ये अपाची कितने, कौन सा ईयर का है? ये अपाची आपका 2015 का है। इसका कितना प्राइस पड़ता है? इसका प्राइस ज्यादा नहीं, आपका 45 में आपको मिल जाएगा ये अपाची। 45 में 45,000। अच्छा, पेपर जो इसका ट्रांसफर कितने चार्ज लगता है? अलग से ट्रांसफर का चार्ज अलग से आता है, और जिसको भी चाहिए तो आप खुद से भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। जो ट्रांसफर के लिए आपको हम ऑनर बुक, ऑनर का साइन किया हुआ सेल लेटर और ऑनर का कॉन्टेक्ट नंबर, टोटल चीज आपको ऑनर का मिल जाएगा। आप चाहें तो खुद से भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। आपके यहाँ से ट्रांसफर का कितना पड़ेगा? और अगर हमारे थ्रू करवाते हैं तो हम लोग 6,000 रुपया लेते हैं। 6,000 रुपया में आपको ट्रांसफर यानी कि इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, स्टैम्प पेपर यानी फुल
मंथली ट्रांसफर का खर्च 6000 में कंप्लीट हो जाता है। तो हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ से बाइक के फर्स्ट स्टार्ट है और यहाँ अपाची लगा हुआ है और यहाँ पे एक बगल से आपको गाड़ी हम दिखा दे सकते हैं। अगर आप कोई भी बाइक चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और बाइक ले सकते हैं यहाँ से आके। यहाँ से बहुत सारा बाइक लगा हुआ है, जो भी आपको पसंद है ले सकते हैं। अच्छा, ये HF डीलक्स कितना पड़ता है? ये HF डीलक्स है 45,000, 2021 के मॉडल है, BS6। BS6 और ये HF डीलक्स का? ये HF डीलक्स आपका, ये भी BS6 है, ये आपको 55 का आएगा। 55? हाँ, ये आपको 2022 का मॉडल है। ये आपका डुएट है स्कूटी, ये आपको 35 में आ जाएगा। BS4 का है ये, 2018 की रेंज। एक बात हम पूछना चाहते हैं आपसे, अगर सबसे सस्ता, सबसे सस्ता, हाँ सबसे सस्ता आपके यहाँ बाइक हो तो वो बाइक का नाम बताइए आप। सबसे सस्ता बाइक यहाँ है, देखिए ये सबसे सस्ता। कितना प्राइस का है? इसका प्राइस है 32,000। इससे भी सस्ता था डिस्कवर, बिग गया। वो आपका जो की है 20,000 में। यहाँ बुलेट भी है, KTM भी है क्या? KTM अभी नहीं है फिलहाल, वो आता रहता है हम लोगों के पास में। कभी KTM आती है, बुलेट आती है, अभी अपाची है, और अभी देख ही रहे हैं आप बाहर में हंटर भी बहुत सारा बाइक है, हम तो दिखा दिए। टोटल देख लीजिए, पल्सर है, ये ग्लैमर है। ये ग्लैमर कितना प्राइस पड़ रहा है? ये ग्लैमर का 60,000 रुपया रेट है। कौन सा? जितना भी हम आपको गाड़ी का रेट बता रहे हैं, सभी गाड़ी पर 5% डिस्काउंट। 5% जी। कौन सा ये मॉडल है, ये कौन सा ईयर का? ये 2021 का मॉडल, 2021 का ये। तो फिर और आपके पास देखते हैं, अपाची बिल्कुल न्यू कलर में दिखाई दे रहा है, और ये भी अपाची प्रिंटिंग तो कोई ऊपर से नहीं किया गया है। ये आपको 55 का, 2018 की रजिस्ट्रेशन। कितना किलोमीटर चला होगा ये? चला हुआ है आपका तकरीबन 38,000 किलोमीटर जी। और कुछ बोलना चाहते हैं आप? और क्या बोले भाई, बाकी की गाड़ी देख ही सकते हैं। हाँ, ये सब गाड़ी हम मैंने डाल दिया है, पूरा कवरेज कर लिया है जी। जो है आपको सबसे कम दाम में मिल जाएगी, इसका प्राइस मात्र 45,000 रुपया। कौन सा कंपनी का ये? सुजुकी का, सुजुकी जिक्सर। ये जल्दी मिलता नहीं है, इधर आइए। CVR बाइक हो? ये है होंडा का CVR, जो सबके बस का बात नहीं है, ये मेरे पास मिल जाए। इसका कितना प्राइस पड़ता है? इसको मात्र हम जो है 50,000 में दे रहे हैं। 50,000? ये पटना नंबर है? ये पटना नंबर। कौन सा ईयर का बाइक है ये? ये आपका 2016 का है। 16 का जी। रेडी रेडी। तो भैया आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपके यहाँ अच्छा लगा भैया, आपके यहाँ आए, बाइक जो भी था रेट बहुत अच्छा लगा, पसंद लगा। अभी हम एक बाइक चूज किए हैं, जो हमारे फ्रेंड है उनको बाइक हम मोटिवेट करेंगे लेने के लिए। और भी बाइक्स आता रहता है, अभी फिलहाल अभी कल सडनली 3 गाड़ी एक ही दिन में बिक गया, तो थोड़ा खाली हो गया। हाँ, यहाँ और भी आता रहता है। टॉर्क वगैरह सब भी यही का लगा हुआ, हम बाहर में लगा के रखे हुए। जी, मेरा जो भी ऑडियंस आएगा आपके यहाँ बाइक लेने के लिए, आप एड्रेस देखिए। आप अगर बाईपास के थ्रू आते हैं तो बाईपास से आप सीधा आप डायरेक्ट हुलास स्थान चौक कंजिया आप यहाँ आ सकते हैं। अगर नाथनगर के साइड से आते हैं, नाथनगर थाना के पास से आप बाया रोड आ रहा है, दरियापुर रोड, किसी से भी पूछ लीजिए वहाँ पर कि दरियापुर रोड कहाँ है, तो वो आपको बता देंगे। दरियापुर रोड में ही सीधा आ करके यहाँ आपको रुक जाना है। अब तो एक नया चीज ये भी हो गया कि यहाँ नीचे में स्विमिंग पूल भी है, तो उससे भी आप किसी से भी पूछ सकते हैं स्विमिंग पूल कहाँ, तो वो भी एड्रेस आपको बता देगी। और सेकेंड हैंड बाइक का शोरूम तो बहुत पुराना है, ये सभी जानते हैं, टोटो वाला भी कोई भी बता देगा क्या सेकेंड हैंड बाइक का शोरूम यहाँ पर। चलिए भैया, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा, मिलते हैं फिर कभी।